हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के अंदर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, यानी कि एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ के यानी इम्यूनोग्लोबुलिन्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, नॉर्मल सीरम लेवल कितना होता है या अमाउंट कितना होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स का, फंक्शन इंडिविजुअल इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी का क्या फंक्शन होता है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो बने रहे वीडियो में मेरे साथ। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज के टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज क्या होती है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज जो होती है, बी लिम्फोसाइट, जो कि अपनी लिम्फोसाइट होती है, लास्ट क्लास में हमने WBCs पढ़े थे। लिम्फोसाइट दो टाइप की होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। तो जो बी लिम्फोसाइट होती है उनको हम लोग प्लाज्मा सेल या बी सेल के नाम से भी जानते हैं। ये सेल्स जो है एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करती है। और ये एंटीबॉडीज़ कब बनाती है, जब बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन या कोई एंटीजन एंटर करता है, उस केस के अंदर उसके रिस्पॉन्स में बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करती है। और मेनली एंटीबॉडीज़ जो है अपने पाँच टाइप की होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं IgA अल्फा, IgA डेल्टा, IgA एप्सिलॉन, IgA गामा यानी IgG और IgM यानी कि IgMu। इस तरीके से इनको पांच कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। इन एंटीबॉडीज को बनाने का काम जो है बी लिम्फोसाइट करती है। अब हम लोग बात करते हैं कि नॉर्मल सीरम लेवल एंटीबॉडीज का या अमाउंट कितना होता है। तो ये जो है हमने हायरार्की लेवल में इसको अरेंज किया है, यानी IgG जो होती है उसका सीरम लेवल सबसे ज़्यादा होता है, जबकि IgE का जो सीरम लेवल सबसे कम होता है। और ये सीक्वेंस होता है इसका हायर टू लोअर की तरफ, जिसे हम लोग एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, GAM गम दे, इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो IgG होती है वो मैक्सिमम सीरम कंसंट्रेशन जो होता है 80%, IgA का 13%, IgM का 6%, IgD का 1% और IgE का जो है लेस देन 1% होता है, 1% से भी कम होता है। इनका ये जो है लेबोरेटरी अमाउंट होता है, जो कि लैब टू लैब जो है वेरी कर सकता है, लेकिन अप्रोक्स 600 से 1600 mg जो है IgG का होता है, IgA का जो है 80 से 350, IgM का 40 से 250, IgD का जो है 3 से 40 और IgE का है 0.5 से लेकर के 12 mg पर डेसीलीटर ब्लड। तो इस तरीके से सीरम लेवल है। लेकिन ये जो हायरार्की लेवल, अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट सीरम कंसंट्रेशन कौन सी एंटीबॉडी का होता है, तो IgG का होता है, और लोवेस्ट किसका होता है, IgE का जो है सीरम लेवल जो है लोवेस्ट होता है। अब हम बात करेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर के बारे में, कि कैसा स्ट्रक्चर उनका होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो अपनी पाँचों जो टाइप के एंटीबॉडीज होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है, उसके अंदर इस तरीके की चेन पाई जाती है, जिसे हम लोग वाई चेन के नाम से जानते हैं। इस वाई चेन के अंदर दो टाइप की प्रोटीन होती है, लार्ज प्रोटीन और स्मॉल प्रोटीन। ये जो है सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जो है आपस में जुड़े होते हैं। तो इस तरीके की एक स्ट्रक्चर जो होती है वो कहलाती है मोनोमेरिक स्ट्रक्चर। लेकिन जैसे हम लोग देख रहे हैं IgA के अंदर वाई चेन दो दिखाई दे रहे हैं अपन को, तो ये चीज जो है डाई मीन्स होता है दो, यानी जो IgA की जो स्ट्रक्चर है वो होती है डाईमेरिक स्ट्रक्चर। ऐसे ही IgD, IgE और IgG, इन तीनों की जो स्ट्रक्चर है वो होती है मोनोमेरिक स्ट्रक्चर। मोनोमेरिक का मतलब केवल एक वाई चेन इनके अंदर प्रेजेंट होती है। और जो अपना IgM होता है, जो कि अपना लार्जेस्ट एंटीबॉडी होता है, उसके अंदर पांच वाई चेन पाई जाती है, इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो होता है पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। एम्स जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि IgM का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो हमें पता होना चाहिए पेंटामेरिक होता है, और IgA का जो है डाईमेरिक, बाकी IgD, IgE और IgG का होता है मोनोमेरिक। उसके साथ में दो पॉइंट और है, जो IgG की जो चेन है वो स्मॉलेस्ट चेन होती है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि IgG जो होती है वो स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होती है, जबकि IgM जो है वो अपने पास लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी IgG और लार्जेस्ट एंटीबॉडी IgM होती है। तो अब हम लोग बात करते हैं फंक्शंस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज। तो इंडिविजुअल जो है अपने पांचों तरीके के एंटीबॉडी है। सबसे पहले हम IgA, IgD और IgE का फंक्शन देखते हैं, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे IgG और IgM का। तो हमने तीनों को कैटेगराइज किया है। यहाँ पर IgA जो होती है अपनी, वो म्यूकोजा के अंदर पाई जाती है, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की म्यूकोजा है, GI की म्यूकोजा है, इनके अंदर ये पाई जाती है और इनका प्रोटेक्शन करती है। और अपने बॉडी फ्लूड जैसे कि टीयर्स और सलाइवा जो होते हैं, उनके अंदर भी IgA जो है प्रेजेंट होती है। तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, ये हमें पता होना चाहिए। और अगला जो कोलोस्ट्रम होता है, यानी आफ्टर बर्थ, बेबी के बर्थ के बाद में जो फर्स्ट येलो गाढ़ा मिल्क आता है मदर्स के ब्रेस्ट से, उसे हम लोग कोलोस्ट्रम बोलते हैं। उस कोलोस्ट्रम के अंदर भी जो है IgA पाई जाती है।
अब नेक्स्ट बात करते हैं IgD का। तो IgD जो है वो बी सेल की सरफेस के ऊपर पाई जाती है और बेसोफिल और मास्ट सेल को जो है ये एक्टिवेट करने का काम जो है परफॉर्म करती है। ऐसे ही जो थर्ड है अपना IgE जो होता है एप्सिलॉन एंटीबॉडी होती है, ये जो है मास्ट सेल और हिस्टामिन जो होती है, मास्ट सेल को हिस्टामिन रिलीज करने के बाद में जो है ये ट्रिगर होती है, इसका प्रोडक्शन जो होता है बनना स्टार्ट हो जाता है। देन एलर्जी की इम्यूनोग्लोबुलिन भी इसे हम लोग बोलते हैं, और पैरासाइटिक इन्फेक्शन और एलर्जी इन्फेक्शन में इसका अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। देन एक टर्म है यहाँ पर होमोसाइटोट्रोपिज्म, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी एंटीबॉडी होमोसाइटोट्रोपिज्म परफॉर्म करती है तो वो होती है IgE। इसका मतलब होता है कि जिस सेल की सरफेस पे पाई जाती है उस सेल को जो है, यानी जिस सेल जो सेल इसको बनाती है IgE को, यानी बी लिम्फोसाइट बनाती है उसको ये अफेक्ट करती है, इसलिए इस कंडीशन को बोला जाता है होमोसाइटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट है कि हीट लेबाइल एंटीबॉडी पूछा जाए आपसे तो उसका आंसर भी होना चाहिए IgE, यानी हीट से कौन सी एंटीबॉडी सबसे जल्दी जो है अफेक्ट होती है, डिस्ट्रॉय होती है, वो चीज़ कहलाता है हीट लेबाइल एंटीबॉडी, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है IgE। अब सबसे लास्ट में हम लोग जो है IgG और IgM को कंपेरेटिव रूप में दोनों के फंक्शन को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले IgG होती है वो स्मॉलेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी होता है, जैसा कि हमने देखा था इसकी जो वाई चेन होती है वो सबसे छोटी होती है इसलिए स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होती है, और IgM जो है वो लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर होता है पेंटामेरिक स्ट्रक्चर, जैसा कि हमने अभी स्ट्रक्चर्स में देखा था, क्योंकि इसमें 5 वाई चेन पाई जाती है इस वजह से लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है। IgG होती है उसका मॉलिकुलर वेट जो होता है वो लोवेस्ट होता है क्योंकि इसकी वाई चेन सबसे छोटी होती है, जबकि लार्जेस्ट हाइएस्ट मॉलिकुलर वेट होता है वो होता है IgM का क्योंकि 5 वाई चेन इसके अंदर प्रेजेंट होती है। थर्ड पॉइंट है कि IgG होती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, इट मींस मदर से फीटस के अंदर जो है ट्रांसफ़र हो सकती है, जबकि इसके अलावा कोई सी भी एंटीबॉडी हो चाहे वो IgM हो चाहे IgA, D या E हो, वो जो है प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती क्योंकि इनकी चेन बड़ी होती है। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि IgG जो होती है वो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकती है फीटस को क्योंकि मदर से फीटस में ये ट्रांसफ़र हो सकती है, जबकि फर्स्ट जो एंटीबॉडी बनेगी किसी भी पर्सन में चाहे वो फीटस हो चाहे वो एडल्ट पर्सन हो, वो होती है हमेशा IgM। इट मीन्स हमेशा जो एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी वो होती है IgM। इट मीन्स कोई भी इन्फेक्शन होता तो सबसे पहले जो एंटीबॉडी बनती है वो होती है IgM होती है। इस वजह से IgG जो होती है वो ओल्ड इन्फेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। इट मीन्स अगर किसी पर्सन में IgG का लेवल बढ़ा हुआ मिल रहा है, इसका मतलब उसके अंदर जो इन्फेक्शन है वो पुराना है, ओल्ड इन्फेक्शन है, काफ़ी दिनों पहले हुआ है। लेकिन अगर किसी पर्सन के सीरम के अंदर IgM का लेवल बढ़ा हुआ है, इट मीन्स उसको करंट में, हाल प्रेजेंट में उसको क्या है, इन्फेक्शन हो रखा है, उस चीज़ को ये इंडिकेट करती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि IgG जो होती है वो मेन IgG होती है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स की, जबकि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स की मेन IgG होती है वो होती है IgM। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी को रिकरेंट इन्फेक्शन हुआ है, इट मीन सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ है, तो उस चीज़ में इम्यून रिस्पॉन्स में ये ट्रिगर होती है, जबकि प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ है, फर्स्ट इन्फेक्शन हुआ है, तो वहाँ पर IgM जो है ट्रिगर होती है। देन लास्ट पॉइंट है कि IgG को वार्म इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से जानते हैं, जबकि IgM को जो है कोल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से हम लोग जानते हैं। वार्म का मतलब होता है एट बॉडी टेम्परेचर ये हाईएस्ट एक्टिविटी रिप्रेजेंट करती है, और ये जो है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है हाईएस्ट जो है एक्टिविटी रिप्रेजेंट करती है, इसलिए इसे हम लोग जो है कोल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से जानते हैं। सबसे लास्ट जो IgG होती है वो इसको याद रखने का तरीका है वार्म या गर्म, जी से गर्म हम इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि IgG जो होती है वो वार्म एंटीबॉडी कहलाती है, जबकि IgM होती है वो कोल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन कहलाती है। तो आज का ये वीडियो एंटीबॉडी से रिलेटेड अगर कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।